क्या? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार अपनी बेटी से मिलना गलत होगा। आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, she's dead, टीचर। छोरी को कुछ गहने भी तो देने होंगे, इज्जत की बात है यार। किस इज्जत की बात कर रही नानी हैं? वाह, जो तेरी लाडली कोड़िया का बाबा जार में उखाड़ का आई है। क्या बोल रहा है तू? नानी अखबार देख ले, तने सब पता चल जाऊगा तेरी लाडली के कारनामे। मैं भी तो सोचू था कि थोड़ी ना दो दिन में इतना पिसका जुगाड़ कितना कर लिया, इसने ना मामा की इज्जत बाजार में उछाड़ के पिसका जुगाड़ कर। छोरी है ही मनु, जा जावे वही सबके खुशियां जस जावे। अब तू सोच ले वो चौधरी दीवार में क्या हो रहा होगा, भाई के नाम पे डंके बज रहे होंगे। एक नचनिया को मैं करनाल में नहीं रहने दे सकता। सुरेंद्र मार दे सुनैना को। दुनिया में नहीं है, she's dead।
हौसला रख सुने ना, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर सुरिंदर कानवर, आप यहीं बाहर रुकिए। उनका नाम सुरिंदर कंवर है। आप कौन है? जी मैं उनकी बेटी रोशनी का। उन्मून, थैंक यू। माफ करना, कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी। आंटी, आपके पैर के नीचे मेरे पेपर्स हैं, मैं उठा लूं? माफ करना बेटा, कोई बात नहीं। मेरी बच्ची, मेरी रोशनी सही सलामत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। आकर्ष जी की तबीयत ठीक तो है ना? वो ऐसे क्यों लेटे हुए? डोंट वरी, वो फोन पे बात कर रहे हैं। तुम्हारे इस हाल की रोशनी बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगी। तुम्हें तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगी होगी, एकदम फिट होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपना ध्यान आकर्ष पे से हटाना होगा। एक इंसान की वजह से इतना अपसेट नहीं हो सकती। रिवा, रिवा कहाँ हो तुम? डीजे इतनी परेशान है, तुम गायब हो। राइट, डीजे परेशान है तो मिस्टर आकर्ष जयसिंह तो परेशान होंगे ही, है ना? और आकर्ष जयसिंह को तो रिवा की याद तभी आती है जब वो परेशानी में हो। सच अ सेल्फिश मैन यू आर। लुक रिवा, आई नो तुम बहुत अपसेट हो, मुझसे बहुत अपसेट हो, पर प्लीज इस वक्त हॉस्पिटल आ जाओ। डीजे तुम्हारे में बार बार पूछ रही है। वो बहुत परेशान है।
I don't know where she's gone. मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन मैं उठ नहीं सकता. प्लीज प्लीज हॉस्पिटल वापस आ जाओ. हेलो, तुम हॉस्पिटल आओ तब बात करेंगे. बात तो हम तब करेंगे जब मैं हॉस्पिटल आऊं. रोशनी, रोशनी आप ही है ना? मुझे जाने की क्या जरूरत, अब तो उनकी दाई जान भी आ गई है. और अब अगर मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया तो शायद ये नील के लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही आकाश जी के लिए. रोशनी लिए ठीक ना किया, उसे तो ना मैं बर्बाद कर दूंगा. देख अब तू मेरा सर मत खा. अज्जू हमें बात करनी होगी. अब ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि हम दोनों को बात करनी पड़ेगी? मेरी आंखों में देख के बोल कि हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है. देख मैं बोल रहा हूं मेरा सर मत खा. मुझे रोशनी को ढूंढने हॉस्पिटल में जाना है. वो अभी हॉस्पिटल में है. आकर्ष की जिंदगी बर्बाद करके ही चैन मिलेगा क्या उसे? रोशनी ना आकर्ष की जिंदगी बर्बाद कर दी. अरे उल्टा उस मास्टर जी ने रोशनी की जिंदगी बर्बाद कर दी उसको नचा करके. रियली तुम्हें लगता है रोशनी दूध पी रही बच्ची है जो आकर्ष ने उसको डांस करने के लिए कहा और उसने डांस? इतने सालों से ना वो तुम सबको बेवकूफ बना रही है. तुम सबके साथ गेम खेल. अरे तू बावली हो गई के इतनी देर से कुछ भी बकया जा रही है. चुप हो जा नहीं तो मैं. नहीं तो क्या? मुझ पर अपनी ध्वज जमा कर क्या करो? बहुत बोलते थे करनाल के मर्द ऐसे होते हैं वैसे होते हैं. देख मैं बोल रहा हूं ना कि चुप हो जा. नहीं तो क्या? क्या कर लूं? जी तुम्हें को क्या हुआ है? पापा जी मत छू. दीदा पर तू रात मेरे बेटे से. दीदा दीदा पर पापा जी ले पड़. यो सब करके तू मन ने रोक लेगा. रोशनी का ब्याह होगा तो सिर्फ मेरे से, सिर्फ मेरे से. क्या हो गया मामा? क्या कुछ ना बोल तो डॉक्टर ना बुलाना. जल्दी जा बेटा. आई स्टिल डोंट बिलीव मॉम रोशनी का डांस करना कनाल के पेपर्स में इतनी बड़ी हेडलाइंस बन जाए. इस बेचारी का बचना तो नामुमकिन है. जब जिंदा ही नहीं रहेगी तो दिल्ली में क्या खाक परफॉर्मेंस करेगी? और जब परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो तुम्हारा चांस तो बनता ही है. और अब मैं तुम्हें जितवा के ही मानूंगी.
सुरिंदर आंखें खोल सुरिंदर, बेटा आंखें खोल, हे सुरिंदर, छोरे आंखें खोल छोरे। पापा जी, पापा जी, दीदा पापा जी को क्या हुआ है? पापा जी, पापा जी उठिए। मत छू। मेरे बेटे को दीदा, दीदा पापा जी को हुआ क्या है? परियाज, परियाज मैंने कहा, दीदा पर पा, तू रात मेरे बेटे से, दीदा, दीदा पर पापा जी, दीदा, रोशनी कहाँ है? रोशनी? हाँ रोशनी। मुझे क्यों पता होगा? तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारी है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ना। देख मास्टर, ये बेकार की बात है ना, मेरे सामने मत कर, तू समझ गया ना? चुपचाप बता रोशनी का है। मुझे नहीं पता। और नीली, अचानक क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि रोशनी तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसका ख्याल नहीं रख पाए और इसलिए वो दूर चली? दूर गई नहीं, तेरी ऊट पटांग हरकतों ने हमें दूर कर दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? जैसे तेरे समझ ही ना आ रहा ना मास्टर, ले पढ़। यो सब करके तू मन्ने रोक लेगा, रोशनी का ब्याह होगा तो सिर्फ मेरे से, सिर्फ मेरे से। तीन दिन बाद तय किए गए मुहूर्त पे मैं उससे ब्याह करके रहूंगा। रोशनी तुमसे शादी कर रही है? क्यों ना करेगी मास्टर, आखिर मेरे से अच्छा पति कहां मिल सकता है? उसने मिल सकता है क्या? रोशनी तुमसे कई गुना अच्छे लाइफ पार्टनर की हकदार है। एंड यू नेवर नो, कहते ना कि जब तक खेल खत्म नहीं होता तब तक खेल खत्म नहीं होता। क्या बोला तू? तो मैं तेरे उसी दिन खत्म कर देता, उसी दिन। लेकिन तेरा मुझ पे मेरी जिंदगी बचाने का कर्ज था, और नील चौधरी ने उधार और खैरात पसंद ना आया। और अगर आज के बाद तू मेरे और रोशनी के बीच में भी अगर आया तो मैं तेरे जानते मार दूंगा। Thank you.
क्यों किया? मारे साथ, तेरे पापा जी के साथ, अरे अपने साथ, तुझे जरा भी संकोच ना हुआ? इतना बड़ा पाप करते हुए जरा भी नहीं सोचा तूने? अरे तू घुंघरू बांध के नाची कैसे? अरे इससे तो अच्छा होता कि हम सबको जहर दे देती, यह दिन तो ना देखना पड़ता। रानी, इस पर ना बातों का कोई असर नहीं होने वाला। इसे तो मैं आज मेरी माँ की आंख खुलेगी, ये फैसला माँ करेगी। मेरी बात तीन दुनिया कुछ भी कहती रही, तेरे खिलाफ खड़ी रही, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ थी। मन लगा हमारी रोशनी गंगा जैसी पवित्र है, ऐसा कुछ ना करेगी जिससे खानदान की नाक नीची होवे। और तूने मेरा भरोसा तोड़ा। अरे मैं तो खाम का चिंता करती रही कि हमारी छोरी कहां से पैसे लाएगी, कैसे जुटाएगी। तूने, अगर मुझे मालूम होता ना कि तू नाच के पैसे लाने वाली है, तो मैं खुद तेरे पांव काट देती। जी तो करे है मेरा कितने तने। आज के बाद ना सुख में ना दुख में, ना जीण में ना मरण में, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी कोई बेटी नहीं है। आज तक कवर खानदान के लिए तो हमेशा के लिए मर गया, पिंडदान कर दिया मैंने। अगर रोशनी ने गलती करी है ना, तो उसने उसकी सजा जरूर मिलेगी। बस आप हुक्म कर दो कि रोशनी की सजा खत्म कर दो छोरी।